Thank you स्टूडेंट्स दिस टाइम क्वेस्ट पॉड या इंग्लिश का वीकली टॉक काफी और टाइम पे रिलीज किया जा रहा है आई नो दिस द ओनली रीजन इज कंटिन्यूस कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि मैम ये जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनके बारे में हमें कुछ बताएं चौदह तारीख को यानी फोर्टीन अगस्त को जैसे ही आपने आपका आरआरबी का एग्जाम खत्म किया मेरा फोन बजना स्टार्ट हो गया जैसे कहा जाता है ना क्लाइमैक्स पे तो इंग्लिश है ही है सो आई एम बी फॉर द ऑफ आरआरबी इन देंस आर आर बी मेन एग्जाम में इंग्लिश है फॉलोड बाय मैम आई डी बी आई का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और सितंबर में एग्जाम है फोर्थ और फिफ्थ सितंबर को तो हम आई डी बी आई एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई कैसे करें हम आई डी बी आई असिस्टेंट मैनेजर की पढ़ाई कैसे करें नेक्स्ट कमिंग अप इज एस बी आई एग्जाम जो अभी तक आस लगाए बैठे हैं जिनकी एस बी आई प्री अभी तक नहीं हुई औरंगाबाद एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स उनके लिए कुछ टिप्स हैं और जिनका एस बी आई हो चुका है प्री उनके लिए मेन की तैयारी कैसे करना चाहिए उनके लिए आज कुछ मैं गिमिक्स ट्रिक्स स्टडी प्लान बताऊंगी फॉलोड बाई जी आई सी का नोटिफिकेशन कल आ चुका है

इस सवाल का जवाब देते-देते थक गई हूं इसे मैंने कहा कि मैं इसको क्वेस स्पॉट में ले लेती हूं मैम आरआरबी मेन में हम हिंदी लें या इंग्लिश लें लुक स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं तो मैं उस पे पहले बात करती हूं 2017 से शुरुआत करते हैं 2017 में आरआरबी का इंग्लिश कंपैरेटिवली हिंदी से डिफिकल्ट था 2017 में हिंदी आर आर बी मेन एग्जाम में चाहे असिस्टेंट हो या पीओ बहुत ईजी था तो दो हजार सत्रह में जिन्होंने हिंदी लिया देवलाकी स्टूडेंट्स दो हजार अठारह दो हजार उन्नीस दो हजार बीस ये तीन सालों में आर आर बी के मेन एग्जाम में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया वो ये था कि इंग्लिश बहुत ईजी आया और हिंदी काफी टफ था हिंदी वॉज टफ आर आर बी पीओ मेन एग्जाम का हिंदी टफ है इंग्लिश कम्पेरेटिवली ईजी आया था इस का डिसीजन लेने से पहले आप कुछ चीजें बहुत अपने माइंड में क्लियर कर लें क्या इंग्लिश आपको इतना बड़ा दुश्मन लगता है क्या इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है कांट यू स्टैंड इंग्लिश फॉर सम टाइम एटलीस्ट मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ सिक्स ईयर तो मुझे लगता है फिर हिंदी लेने में ही अक्लमंदी है लेकिन अगर आपका माइंड बहुत क्लियर है नहीं मैम आई हैव टू अपियर फॉर एस बी आई पी ओ

टा है, है जैसे वन ऑफ आर स्टूडेंट्स लकी को बहुत सारे बच्चे जानते हैं जो ई एल सी के हेड भी रह चुके हैं जो ई एल सी संभालते थे द रीडिंग लैब ऑफ एस एस ए तो लकी ने यही बहुत बड़ी गलती की वो बच्चे ने आर आर बी 2019 मुझसे नहीं जम रहा है तो लकी का क्या काम था अगर वो तुरंत इंग्लिश पे शिफ्ट होता तो एटलीस्ट वो बच्चे का कट ऑफ निकल जाता था लकी का ओवरऑल कट ऑफ बहुत ज्यादा था लेकिन वह बच्चे का हिंदी का ही सेक्शनल नहीं क्लियर हुआ हिंदी का सेक्शनल कट ऑफ लक्की का क्लियर नहीं हुआ था और इस वजह से वो बच्ची का बच्चे का आर आर बी पीओ मेन चला गया सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि आपको पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर क्या मेरी एबिलिटी है क्या मैं कौन सी लैंग्वेज को डील कर सकता हूँ अच्छे से ऑन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन दिस पॉइंट प्लीज स्पीक टू द वंस हु हैव बीन सिलेक्टेड एज एन आर आर बी पी ओ और एज एन आर आरबी असिस्टेंट उनसे आप एक बार बात करें ठीक है नेक्स्ट र आर बी मेन एग्जाम की तैयारी कैसे करें प्लीज हमें बताएं वेन इट कम्स टू मेन्स वेन इट कम्स टू लेवल टू वेन इट कम्स टू द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी एक चीज कभी भी याद रखे स्टूडेंट सबसे पहले रीडिंग को रीस्टार्ट करो क्योंकि आर आर बी जैसे ही आ गई थी प्री नजदीक आ रही थी तो आप इतने बदमाश बच्चे हो कि आप सबसे पहले सेक्रीफाइस किसका करते हो इंग्लिश का यू गुड एट दैट राइट पहले बली सबसे पहली कुर्बानी इंग्लिश को देनी है

सेकेंड क्वांटिटी बढ़ाओ एक घंटे की रीडिंग करोगे कितने कंजूस हो तुम डेढ़ घंटे पे आओ दो पे आओ ढाई घंटे पे आओ तीन घंटे पे आओ रीडिंग इज द पल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग रुकी इंग्लिश इज डेड आपको रीडिंग को जल्दी स्टार्ट करना है और टाइम ज्यादा देना है क्वालिटी भी एनहेंस करनी है नेक्स्ट आरसी प्लीज प्रैक्टिस करना शुरू करें बिकॉज जितने भी मेन्स एग्जाम होते हैं उनका पेपर जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रिहेंशन

मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस एनालिसिस को मैंने थोड़ा सा हाईलाइट इसलिए किया है द रीजन इज आप प्लीज अक्षदा का क्रॉनिकल्स ऑफ ट्राइम चेक करें क्योंकि अक्षदा ने बहुत क्लियरली ये बताया अ ब्रिलियंट गर्ल A very intelligent girl, I'll say. The only problem was that उसने एनालिसिस नहीं किया Continuously mock test दे ही जा रही थी दे ही जा रही थी तो जो बच्चे एक साल पहले रिजल्ट दे सकती थी उसने उस result के लिए दो साल लगा दिए

आई थिंक दिस विल बी इफ आई एम नॉट mistaken, around somewhat 23, 24 August. Is इस कमिंग फ्राइडे से वी आर स्टार्टिंग विथ आर आर मेन के मॉक टेस्ट मैं अब यहां से आगे मेंस एग्जाम की मॉक टेस्ट लूंगी पहली चीज मैं तुम्हारे दिल से मेंस का डर निकालना चाह रही हूँ बहुत सारे बच्चों के दिल में डर बैठ गया है मेंस में क्या होगा बहुत टफ होता है अरे कुछ भी टफ नहीं होता है तो इस फ्राइडे से YouTube लाइव मॉक टेस्ट मेंस के होने वाले हैं प्रॉब्लम ये रहने वाला है कि मैं शायद अभी सेशंस प्राइवेट कर दूं या मे बी पॉसिबिलिटी है कि मैं पीडीएफ नहीं डालूंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम लाइव सेशन में रहो विल 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 बी 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 सम 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 टिप्स ट्रिक्स गिमिक्स ऑन हाउ टू स्कोर एग्जाम में कैसे स्कोर करना चाहिए कुछ ग्रामर एडवांस ग्रामर के टिप्स हैं कुछ वोकैबलरी के रूल्स हैं जो अब इस फ्राइडे से मेन्स में आने वाले हैं प्लीज डोंट मिस द से कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन है स्टूडेंट आर डूंग इट ओके वो आर मिसिंग द सेशन आई मीन टू से जैसे कि अंबादास है किशोर है यह बच्चों को लगता है बस मैम पीडीएफ मिल गया हमने सोल्व कर लिया नहीं यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर द लाइव सेशन नेक्स्ट इज आईडीबीआई एग्जाम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी जैसे कि आप जानते हैं कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम्स हैं रिस्पेक्टिवली फोर्थ और फिफ्थ सितंबर को तो उसके बारे में थोड़ा बता दूं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का पेपर बहुत ही लड्डू होता है इंग्लिश का बहुत ही लड्डू इन द सेंस आरबीआई असिस्टेंट प्री जैसा एग्जाम होता है

50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स पेपर विल बी सेम एज आरबीआई असिस्टेंट प्री तो मैम आरबीआई असिस्टेंट प्री के जितना इजी होगा तो हम क्या करें आप सिर्फ इतना करना बच्चा जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम के जो आरसीज हैं क्लोज टेस्ट हैं पैरा जंबल्ड स्टोरी बेस्ड क्लोज टेस्ट स्टोरी बेस्ड आरसी स्टोरी बेस्ड फिलर्स वेरी इजी सिंपल स्पॉट द एरर जो 25 गोल्डन ग्रामर रूल्स है उसी में से आएंगे

एस बी आई पीओ हो गया तो आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्कल आएगा क्लर्कल इंटरव्यू अगेन भी कंपोजिट टाइम थर्टी मिनट देने हैं आई डीबीआई असिस्टेंट मैनेजर अजय का क्रॉनिकल्स ऑफ टाइम रिलीज हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली कल तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है मैं टू आई डी बी आई ओके, सो लड्डू एग्जाम है, है? बहुत हो गया, तो क्लर्क का लेवल लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक चालीस और पचास मार्क बोल रहे तो आप एक्सपेक्ट करें मिनिमम दो मैक्सिमम चार आरसी मिनिमम दो मैक्सिमम चार इसमें आएंगे सेम क्वेश्चन पैरा जम्बल क्लोज टेस्ट फिलर्स मैच द फॉलोइंग कनेक्टर्स आ सकते हैं अगेन यू कैन हैव समस्थ रिस्पेक्ट टू न्यू पैटर्न ठीक है नेक्स्ट एस बी आई एग्जाम एस बी आई एग्जाम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले ऐसा लग रहा है क्योंकि एस बी आई के डेट्स ही बुक नहीं हुए हैं अभी तक प्री के जो औरंगाबाद और नासिक में नहीं हुई है सो so, जिनकी एस बी आई प्री अभी बाकी है जिनके एस बी आई प्री बाकी है स्टूडेंट्स फ्रॉम औरंगाबाद एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट रीडिंग मत छोड़ना रीडिंग इंग्लिश की पल्स है अगर रीडिंग छुट्टी आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल मैं साफ साफ बोल रही बोलू क्योंकि तुम रीडिंग छोड़ के जब मेरे पास फोन करते हो कि मैम अभी क्या करें इंग्लिश का स्कोर नहीं आ रहा तो तुमको फटके देने का मन करता है बार बार हिंदी बोलो मराठी बोलो इंग्लिश में कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं कि इंग्लिश की जान आन और शान उसकी रीडिंग है समझ के पढ़ोगे तो कॉम्प्रिहेंशन को फायदा बिना समझे पढ़ोगे तो ग्रामर को फायदा बट बेनिफिट रीडिंग के है क्लियर सो रीडिंग मत छोड़ना आरसी आप चालू रखें मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस दिस इज फॉर मेन एग्जाम फॉर प्री अगेन रीडिंग मॉक टेस्ट विथ एनालिसिस एक वीक में अगर आप इंग्लिश के मॉक टेस्ट दे रहे हो तो रेशो क्या होना चाहिए तीन प्री के दो मेन्स के जिनका एस बी आई प्री नहीं हुआ है लेकिन जिनका SBI प्री हो चुका है दे कैन गो फॉर वन प्री एंड थ्री मेंस वन प्री एंड थ्री मेन अलोंग विथ एनालिसिस आप दो प्री दो मेंस का भी रेश्यो रख सकते हैं बट पूरे हफ्ते में पूरे वीक में चार से पांच इंग्लिश के मॉक टेस्ट होने ही होने चाहिए विथ एनालिसिस एग्जाम पीरियड शुरू हो चुका है नाउ दिस इज द टाइम बट अगेन आई से सिर्फ एग्जाम दे रहे हो विदाउट एनालिसिस मेक्स नो सेंस लगा तो एक दो टेस्ट कम कर दो लेकिन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर नेक्स्ट नाउ दिस इज जीआईसी जो ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त को है कल ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है जीआईसी के एग्जाम के लिए जो बच्चे डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि मार्च में होगी अप्रैल में होगी फेब में होगी कब होगी दिस एग्जाम इज एक्सपेक्टेड ऑन ट्वेंटी नाइन्थ Yes, 29th को ये exam है, इसकी date आ चुकी है जीआईसी के बारे में जो भी एस ए प्रम्प्रशन है एस एग के लिए डिस्क्रिप्टिव चैनल एस एस ए का आपके लिए खुला है कीप राइटिंग कीप पोस्टिंग

सो आई ट्राई माई बेस्ट बट बाई द टाइम स्टूडेंट एस एस ए का डिस्क्रिप्टिव चैनल है जिसमें आपका जो भी राइटअप है उसको पोस्ट करें असमेंट टीम है एस एस ए के पास जो आपके ग्रामर आपके स्पेल एर आपके कंटेंट को लेकर आपको चेक करके मटेरियल फॉरवर्ड कर देगी कि क्या गलतियां की है आपने अपने राइटअप में एस ए राइटिंग प्रिसी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन इट कैन बी अ लेटर राइटिंग स्टाफ ऑल्सो Yeah. इसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे एस एस ए के दो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग uh, के ऊपर क्योंकि बहुत सारे को सबसे ज्यादा स्कोर करना है तो कैसा लिखना चाहिए कैसे टॉपिक्स ऐसे के एक्सपेक्टेड हैं ये सारी चीजें मैंने अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सेशंस में बताई हैं प्लीज वो चेक करें। so, इस बार के के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी सबसे पहले माधवी माधवी का जो मेन एग्जाम का एनालिसिस था लेवल टू एग्जाम का जो माधवी ने एनालिसिस किया था इट वाज रियली वेरी इंप्रेसिव द वे शी इज परफॉर्मिंग एंड द वे शी हैज द एनालिसिस अगर आप में से किसी को लगता है कि मैम प्लीज ये आप शेयर करें

ओके okay, ये कुछ डाउट्स हैं जो स्पेशली मुझे सतीश ने पूछे थे मैंने कहा कि ये डाउट्स बहुत सारे बच्चों के भी हो सकते हैं तो क्यों ना मैं इसको जनरल अपने क्वेस्टॉट सेशन में ले लूं सो so, सतीश के कुछ डाउट्स हैं जो मैं आज यहां क्लियर करने जा रही हूं बट हो सकता है दूसरे बच्चों के मन में भी थे द फर्स्ट डाउट इज मैम विच टेंस शुड बी यूज वेन यू आर राइटिंग अ बुक रिव्यू और अ मूवी रिव्यू जनरली कौन सा टेंस यूज करना चाहिए जब आप बुक रिव्यू या मूवी रिव्यू लिख रहे हैं

फ्यूचर टेंस में नहीं आता है प्रेजेंट टेंस भी चल जाएगा फ्यूचर बिल्कुल नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा फ्यूचर टेंस ओके सेकंड, मैम जब हम अपना राइटअप लिखते हैं ऑन अ बुक रिव्यू लिख रहे हैं या मूवी का रिव्यू लिख रहे हैं तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन फ्रॉम सतीश कि ग्रामर पे रखें नए शब्दों पे रखें स्पेलिंग्स पे रखें तो मैं आपको बता दूं इसका कैसे होता है लुक द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिटन एग्जैक्टली सपोज अगर मुझे आयन मैन थ्री मूवी का रिव्यू आप सबमिट कर रहे हो और वो रिव्यू पूरा कैप्टन अमेरिका की मूवी का है तो आई विल नॉट गिव यू मार्क्स दो मार्क्स जैसे सब्जेक्ट एरर्स हैं, टेंस एरर्स हैं, नाउन प्रोनाउन के एरर्स हैं, प्रेपोजिशन के भी कुछ मेजर एरर्स बहुत ज्यादा माइनर एरर्स ज्यादा ध्यान नजर नहीं जाती बट जो मेजर ग्रामर है उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है

बट जनरली जब मैं किसी बच्चे की समरी राइटिंग चेक करी हूं तो मेरा पूरा ध्यान उसके कॉम्प्रीहेंशन पे होता है कि बच्चे ने अगर ये स्टोरी की समरी लिखी तो इसको कितना समझा इस पैसेज की समरी लिखी तो इसका कितना कॉम्प्रीहेंड हुआ सो वेन इट कम्स टू समरी राइटिंग इट इज गॉन्ड बी ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन वेन इट कम्स टू जीएसटी इट इज गॉन्ड बी ऑल अबाउट जनरल आइडिया एंड टोन When it comes to book review, movie review, essay writing, letter writing, précis writing, तो ये complete package है जिसमें आपका grammar, spellings, आपका comprehend कितना हुआ है material वो check किया जाएगा followed by usage of new words and definitely your presentation, ठीक है तो ये overall है एनी वे सतीश ने एक और सजेशन दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम टॉप रिव्यूज जो हैं, आपके हिसाब से जो टॉप थ्री है टॉप फाइव है या yes, ये बेस्ट रिव्यू है प्लीज आप इसको पोस्ट करें ताकि हम देखें कि हाउ वी शुड प्रोसीड सो टॉप रिव्यूज अभी लर्नर्स क्लब पे पोस्ट किए जाएंगे मे बी इट कैन बी अ बुक रिव्यू इट कैन बी अ मूवी रिव्यू इट कैन बी एन एस इट कैन बी अ लेटर सो दिस विल बी पोस्टेड ऑन द लर्नर्स क्लब बाई बी ओके लेट स्टार्ट विथ वर्ड स्मिथ आज के जो वर्ड्स हैं ये विष्णु मुंडे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन फ्रॉम द सेवेंथ बैच हैं और इन्होंने मुझे कुछ बहुत सारे सिक्सटी सेवेंटी वर्ड्स भेजे इनके मीनिंग मांगे थे आधे तो मैंने कवर कर दिया मैंने कहा रिमेनिंग मैं क्वेस्ट क्वेस्पॉट में लूंगी सो दिस इज स्पेश वर्ड्स कमिंग फ्रॉम महाश्वेता बुक और उन्हीं को हम आज देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं तो आई नॉट इन द क्वेस्ट क्वेस्टॉट दैट सो आज का सबसे पहला वर्ड है फैदम फैदम एक नाउन भी है एक वर्ब भी है फैदम इज जनरली ऑफ मेजरमेंट फॉर द द डेप्थ ऑफ ओशन दैदम एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है फॉर द डेप्थ ऑफ द ओशन लेकिन डेप्थम का एक और मतलब है टू कॉम्प्रीहेंड टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द मूवी शकुंतला देवी डेफिनेटली अ न्यूअर अ न्यूअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ The Bollywood movies, the concept of movies. So fathom also means to comprehend, to struggle is also fathom. Fathom basically ek noun hai, ek verb. Hai. Fathom. Next word for today is intervened. Intervene karna, interfere karna. Beach me bolna. That is intervene. The best example is kids try to intervene the fight that occurs between the parents henna this is very common and you must have also intervened naina papa mat lado. naina mommy, mat lado. so basically these are the kids who generally intervene the fight between the parents we can say that's intervene kids intervene the fight of the parents we can say next is pervade pervade or pervaded as lagaya, intervene ko bhi lagaya, it means it is a verb Pervade or pervaded means to percolate, to penetrate, we can say. That's pervade. This sentence you have The tragedy in the movie Sairat pervades the climax of the movie. Right? The tragedy or the sad ending of the movie Sairat pervades the climax of the movie. Pervades, I can say, is penetrates. वर्ब अगेन शर्क इज टू अवॉइड डॉच करना किसी को अवॉइड करना डॉच करना किसी से अनजान मारना एंड वेन इट कम्स टू दिस वर्ड शर्क आई थिंक राजपाल यादव विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल इन द मूव फ्रॉम द मूवी वक्त The character of Rajpal Yadav in the movie Vaakht is generally being shirbed by everybody. Everybody wants to avoid that personality. That is shirbed. Shirbed, avoid. Dodge karna. Next, rationalize karna. Rationalize, S-E, British spelling hai. Z-E, American spelling hai. Again, it is a verb. Rationalize, yaane, reason dena to make something appear reasonable is he is trying to rationalize the things for example in the movie drishyam in the movie drishyam ajay devgan in the climax scene or in the end scene when tabu meets ajay devgan and asks him ki exactly can you please tell me where is my son and he says he has rationalized the act Simply by saying this. He has rationalized the act. So by saying this statement, he has rationalized the act. He has given a reason that I, just, that I just did this to protect my family. To protect my family. That is rationalizing. To give a proper reason, to make it appear reasonable. That is rationalizing things. Next, revulsion. Revulsion is aversion, dislike distaste, which is like, that is revulsion. so i am struck with revulsion when i see somebody smoking around me. I, I can't stand that. i can't stand that. that's revulsion. that's a kind of distaste, a dislike, aversion, nahi pasan, that is revulsion. next, vicissitudes. vicissitude is nothing but the quality of being changeable. something that can change.

coronavirus with all the Delta variants it is showing mutation it is showing changes so that is nothing but vicissitude next is belied belied is to give a false impression jhoot bolna lie jhoot belied jhoot bolna jhooty baat karna for example in the movie Judai if you have seen Devi belied to her friend Poonam Dillan.

ऐसी चीज जिसके लिए तुमको पछतावा होगा समथिंग दैट इज दैट यू माइट रिग्रेट फॉर इज ऑल्सो पिटी इसका दूसरा मीनिंग याद रखो बिकॉज इसका दूसरा मीनिंग वर्ड यूसेज में आ सकता है समथिंग दैट यू कैन रिग्रेट फॉर दैट इज पिटी पिटी का एक और मीनिंग है पिटी यानी मर्सी दिखाना दया दिखाना बट पिटी का एक और मीनिंग है ऐसी चीज जिसके लिए तुम बाद में रिग्रेट करोगे दैट इज पिटी इट्स अ पिटी दैट यू वॉन्ट गो It's a pity that you can't go. That is a pity. Next, extrovert. When it comes to this word, I think the best example is Geet from the first part of Jab We Met. Itna zyada uh, I can say, bahut jaldi gulmil jana, bahut zyada baat karna. Such an extrovert personality is Geet from the movie or the first half of Jab We Met. Extrovert. Somebody who is pretty backslapper. ग्लैड हैंडर लोगों की मदद के लिए तैयार बहुत ज्यादा बात करने वाला वेरी मच आउट गोइंग चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज ग्रामर गीक ग्रामर गीक का मैं बहुत सिंपल चीज बताना चाहती हूं आई एम हेटिंग यू आई एम हेटिंग यू आई हेट यू आई हैव ओनिंग अ कार आई हैव ओनिंग अ कार नो कार आई एम सी इंग यू आई एम सींग यू आई सी यू क्या है इन सेंटेंसेज में छुपा हुआ तो फिर जो मैकडोनल्ड की लाइन है आई एम लविंग इट आई एम लविंग इट आई लव इट विच इज द करेक्ट वन ओके इसको कहते हैं ऐसे वर्ब्स जो स्टेट दिखाते हैं जो बेसिकली स्टेट दिखाते हैं यानी आप इनको आईएनजी नहीं लगा सकते जनरली इनको प्रेजेंट टेंस नहीं लगता है वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस नहीं लगता है जैसे कि आई लव यू आई एम लविंग यू नहीं बोलते हैं आई हेट यू आई एम हेटिंग यू नहीं बोलते हैं आई सी यू आई एम सींग यू नहीं बोलते हैं आई ओन अ कार आई एम ओनिंग अ कार नहीं बोलते हैं तो so, ये स्टेटिव वर्ब्स को जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या कंटिन्यूअस टेंस नहीं लगता है स्टेटिव वर्ब्स को जनरली आईएनजी नहीं लगता है जैसे इसमें कौन कौन आते हैं अग्री बिलीव आई बिलीव यू आई एम बिलीविंग यू नहीं आई बिलीव यू आई अग्री विथ यू आई एम अग्री विथ यू नहीं आई अग्री विथ यू डाउट गेस अपियर बिलोंग है ये कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनको आईएनजी नहीं लगता है स्टेटिव वर्ब्स को जनरली आईएनजी नहीं लगता है नेक्स्ट हैव सी बी टेस्ट और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो जब कोई स्टेट दिखाएंगे या कोई एक पर्टिकुलर एक्शन दिखाएंगे तो उनको आईएनजी नहीं लगेगा लुक द शेफ इज टेस्टिंग द सूप हियर इट गोस बट दिस कॉफी टेस्ट डिलिशियस यानी कॉफी की स्टेट बता रहा है कॉफी अच्छी है नो आई एन जी बट मेन इट इज शोइंग एन एक्शन दैट कैन गो विथ आई एनजी ठीक है स्टेट या स्टेटिव वर्ब्स के लिए आई एन जी नहीं आएगा नेक्स्ट इज अवॉइडेबल सोलिसिजम्स अच्छी लैंग्वेज वो होती है जो नंबर ऑफ वर्ड्स को स्किप करके मिनिमम वर्ड्स में अपनी भाषा सामने वाले तक अपनी सोच अपना आइडिया सामने वाले तक पहुंचा सकता है इसीलिए ट्राई टू बी वेरी कंसाइज एंड वेरी प्रिसाइज एंड विद द यूसेज ऑफ योर वर्ड्स फॉर एग्जांपल ही इज वेरी कंफ्यूज्ड रादर देन सेइंग वेरी कंफ्यूज से ही इज बैफल्ड He very confused. Why to use very when you can say baffled? Zyada confused hai Baffled hai. Next, the house is very dirty. Can I say the house is filthy? Zyada ganda hai Filthy. Zyada ganda Filthy. Next, this is very interesting. Oh, this is very interesting. So rather than saying very interesting, can I say this is fascinating? This is fascinating. Aap? नए वर्ड्स को ऐसे यूज करो क्योंकि हम क्या करते हैं वही घिसी पिटी लैंग्वेज को वेरी लगा देते हैं एंड लेट द वर्ड्स प्ले ऐसा नहीं सो इट हैज टू बी वेरी कंफ्यूज बैफल्ड वेरी इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग वेरी डर्टी फिल्दी क्लियर ओके स्टूडेंट्स आज का मोटिवेशनल स्टाफ एक बहुत ही सिंपल वर्ड को लेकिन जिससे बहुत लोग डरते हैं उसको लेकर है That is worry, w -O -R -R -Y, जिसको आप फियर एंगजाइटी डिप्रेशन ओवर थिंकिंग सारे इसके रिलेटिव ही हैं, ठीक है तो मैं कहूंगी ना शुरुआत करते हैं इस शब्द के बारे में लेकिन इस शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए आज कुछ कहानियां बताऊंगी मैं क्योंकि इसके रिलेटिव उसकी फैमिली बहुत बड़ी है वरी अकेला नहीं आता है अपने साथ बहुत सारे लोगों को लाता है पार्टी में और ये पार्टी आपके लाइफ की करियर की सबसे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पार्टी हो सकती है तो इसीलिए छोटी छोटी कहानियां बताऊंगी जिसके मॉरल्स आपको बताएंगे कि ये वर्ड का ओरिजिन कहां है ठीक है कुछ पोस्टर्स भी आपको दिख रहे होंगे दीपक कांदेकर का सजेशन था कि मैम इसके ऊपर थोड़ी बात करें और दीपक ने एक फोटो भी शेयर की है गौर गोपाल दास के किसी वीडियो से जो काफी वर्थ है मुझे भी काफी अच्छी लगी एंड विच आई एम एक्चुअली शेयरिंग विथ यू सो लेट्स गो बारिश रेनी सीजन में इंडिया में होती है वेरी मच नेचुरल मैम जून जुलाई अगस्त सितंबर दीज फोर मंथ्स आर कंसीडर्ड टू बी द मंथ्स ऑफ रेनी सीजन इन इंडिया तो नहीं यार प्लीज मेरा जून का महीना चल रहा है मेरा मन इंडिया घूमने का है भगवान को बोल दो बारिश रोक दे इट स्टूपिड जून में बारिश नहीं होना एक्सेप्ट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग कोई कैसे बारिश को रोकेगा बहुत ज्यादा क्लाउडी वेदर है बारिश रोक दो पॉसिबल नहीं है लोग हंसेंगे कहेंगे पागल है क्या पॉसिबल है अपना रेनकोट आप पहन ले अम्ब्रेला निकाल ले बूट्स पहन ले एंड प्रोसीड करेक्ट दैट्स द राइट वे सेम टेंशन आना ऑब्वियस सी बात है मैं बीमार हूं <coughs> मुझे पेन हो रहा है ऑब्वियस सी बात है दैट इज नेचुरल अगर ये नहीं हुआ तो लोग कहेंगे ये एबनॉर्मल है मेरा रिजल्ट नहीं आया मुझे दुख होना दिस इज नेचुरल फिर अलग क्या है अलग होता है कि उस दुख को उस टेंशन को कितनी देर आप संभाल के रखते हो अपने साथ जैसे मैं बताती हूं ये बहुत ही वन ऑफ द फेमस जेन स्टोरी है दो मंक्स, दो मंग्स बुद्धिस्ट मंक्स, जिसको आप भिक्षु कहते हैं एक बार जा रहे होते हैं किसी रास्ते से रास्ते में जगह जगह पे पूल्स थे पानी के पूल्स रे हो सकता है रेनी सीजन हो पानी के पूल्स थे रास्ता थोड़ा मुश्किल था एक लेडी एक रास्ते में रुककर अटक जाती वो पानी का पूल काफी बड़ा है उसको जंप करना नहीं आता है उसपे से वो पार नहीं कर पाती है तो ये मंक में से एक मंक उस लेडी को उठाता है पूल पार करवा के वहां छोड़ देता है उस लेडी को अभी दोनों मंक अपने मुनास्ट्री में आ जाते हैं जहां पे उनका आश्रम है वहां आ जाते हैं रात हो जाती है ये एक दूसरा मंक जो खड़े रह के ये सीन देखता है कहता है हम तो मंक हैं हम किसी लेडी को हाथ नहीं लगा सकते पर आपने उस लेडी को तो वहां पे छोड़ा गोद में उठा के हाथ में उठा के छोड़ा कैसे किया आपने ये हम तो लेडी को हाथ नहीं लगा सकते हम तो मंक हैं तो जिस मंक ने उस लेडी की मदद की थी वो मंग कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा मैंने उसको गोद में उठाया और छोड़ दिया तुम हो जो उसको अभी दिमाग में लेकर बैठे हो अभी तक दिमाग में लेकर बैठे हो मैंने तो उस लेडी की मदद की उसको उठा के वहीं छोड़ दिया तुम वो इंसान हो जो उसको अब तक दिमाग में लेकर बैठे हो पॉइंट सेम वरी आता है टेंशन आएगा एंजाइटी आएगी फियर आएगा डिप्रेशन आएगा बुरा लगेगा पेन होगा वो आपके दरवाजे पे खटका मारेगा दरवाजा खोलकर उसको कितनी देर अपने साथ रखना है ये पहला आपकी चॉइस है सेकंड, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कई बार ना स्टूडेंट्स हमारा दिमाग प्रोग्राम हो जाता है टेंशन के लिए क्या कह रही है मैम कई बार आपका दिमाग प्रोग्राम्ड हो जाता है टेंशन के लिए एग्जांपल देती एक क्रिमिनल को पुलिस पकड़ के या कुछ उस जमाने की सेना पकड़ के राजा के सामने पेश करती है और कहती है राजा ये गुनागार है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो राजा उस राज्य का बहुत होशियार आदमी होता है ठीक है तुमने गुनाह किया तुम्हारे सामने दो चीजें हैं तुमको कोई एक चीज सेलेक्ट करना है पहले तो तुमको फांसी दी जाएगी तुम फांसी सेलेक्ट करो या इस बड़े काले दरवाजे के पीछे कोई डरावनी चीज है ये सेलेक्ट करो क्या लेना पसंद करोगे तो क्रिमिनल कहता है नहीं नहीं मैं रस्सी से ही मरूंगा मुझे बड़े काले दरवाजे के पीछे नहीं जाना है जब उसको लेकर जाया जाता है फांसी देने के लिए उस क्रिमिनल को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी राजा को पूछता है राजा एक बार बताओ तो सही वो बड़े काले दरवाजे के पीछे क्या था राजा मुस्कुराता है मैं नहीं बताऊंगा पर जितने भी लोग गुनागार मेरे पास आते हैं सब यही सजा चुनते हैं ये सजा कोई नहीं चुनता फिर वो क्रिमिनल के दिमाग में आता है प्लीज एक बार तो बता दो अब तो वैसे भी मैं मरने वाला हूं तो राजा मुस्कुरा के कहता है उस दरवाजे के पीछे फ्रीडम था आजादी थी लेकिन ह्यूमन माइंड इतना ट्रेंड होता है जो चीज से गुजरा है उसी को रिपीट करना है उसको नया कुछ ट्राई ही नहीं करना है टेंशन को अपनी आदत मत बना लो टेंशन या वरी के लिए फेमिलियर मत हो जाओ ताकि तुम्हारा दिमाग भी उस क्रिमिनल की तरह बन जाए कि टेंशन दिखा और तुम जाके उसको चिपक गए आई स्टिल रिमेंबर दैट मूवी पार्टनर ऑफ सलमान खान एंड गोविंदा जिसमें सलमान खान का बहुत अच्छा डायलॉग है भास्कर परेशानी को जाके चिपक जाता है यस yes, कुछ लोगों का ब्रेन इतना प्रोग्राम हो जाता है कि वो टेंशन को जाके चिपक जाते हैं टेंशन उनके पास नहीं आता दे 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 आर 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 प्रोग्राम दैट वे So don't do that. And last but not the least, students, tension एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं कहती हूँ slow poison. ये देखते ही देखते तुम्हारी present को पूरी तरीके से destroy कर देता है Love you जिंदगी में बहुत एक अच्छा dialogue है जो मैं यहाँ pe display करना chahungi So don't let the past जो टेंशन है जो पास्ट का रिग्रेट है जो पेन है जो फ्यूचर की worry है अपना beautiful प्रेजेंट डिस्ट्रॉय करें टेंशन आएगा तुम्हारे दरवाजे पे दिमाग के खटका मारेगा दिस इज नेचुरल अगर तुमको टेंशन नहीं आता समथिंग दैट्स गोइंग विद इन यू उसको दरवाजा खोल के कितनी देर एंटरटेन करना है ये तुम्हारे हाथ में Maaam, है मैम स्ट्रेस कहाँ होता है वरी कहाँ होती है तुम्हारे ब्लड में है क्या तुम्हारे स्किन में है क्या अगर मैंने ब्लड टेस्ट कराया ब्रेन का मेरा सिटी स्कैन कराया एमआरआई कराया तो उसमें निकलेगा क्या कि कितना ओवर थिंकिंग करता है नहीं निकलेगा कहा है वो वो दो जगह बसता है तुम्हारी सोच में और तुम्हारे शब्दों में सोच बदलोगे शब्द बदलेंगे, शब्द बदलेंगे सोच बदलो are, things, आप शब्द बदलो सोच बदलेगी सोच बदलो शब्द बदलेंगे एंड दीज आर इंटर रिलेटेड सो सिंपल स्टूडेंट्स टेंशन को टेंशन देना हमारे हाथ में है टेंशन का टेंशन लेना हमारे हाथ में है टेंशन के साथ कितनी देर तक रिश्ता रखना यह हमारे हाथ में है चॉइस इज योर्स थैंक यू